बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे सांभर विथ होममेड मसाला, क्विक इजी और सिंपल तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल गला लेंगे। यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 3/4 कप तुअर दाल। आप 1 कप भी ले सकते हैं। दाल को हम 2-3 पानी से धो लेंगे। दाल को मैंने 3 बार अच्छे से धो लिया है, वॉश कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। आपके पास टाइम है तो आप इसे 10 से 15 मिनट भिगा के रखें, यहाँ पर मैं तुरंत बनाऊंगी। इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी। मिक्स कर लेंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे। कुकर को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। दाल को हमें पूरी तरीके से गला लेना है। 5 से 6 सीटी में ये दाल अच्छे से गल जाएगी। दाल गल रही है तब तक हम सांभर मसाला बनाकर तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून राई, 1 टेबलस्पून उड़द दाल, 1 टेबलस्पून चना दाल, 2 टेबलस्पून कटा नारियल, 10 से 12 काली मिर्च, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 10 से 12 कड़ी पत्ता, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। सबसे पहले हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। मसाले डाल के भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, ड्राई रोस्ट हो गया है। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे ठंडा कर लेंगे। इसे एक बाउल में निकाल लिया है, ठंडा होने देंगे। भुना मसाला हमारा ठंडा हो गया है, इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून हींग। पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। और मसाला हमने पीस के तैयार कर लिया है। सांभर में डालने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली है, जिसमें है पम्पकिन, बैंगन, ड्रमस्टिक, गाजर, मटर, प्याज और टमाटर। सब्जियाँ आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। दाल भी हमारा अच्छे से गल गई है, इसे करते हैं साइड। चूल्हे पे हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, कढ़ाई को अच्छे से हो जाने देते हैं गर्म। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है, इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, 2 सूखी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हींग, 8 से 10 कड़ी पत्ता, 1 मीडियम साइज की प्याज डाल के फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब साथ में हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। सारी सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे। सारी सब्जियों को हम 4 से 5 मिनट अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। सब्जी को हमने 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बारीक कटे टमाटर, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा टमाटर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट हम और इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून इमली का पल्प, 1/2 कप पानी डाल देंगे। एक बार अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब उसे कवर करके हम 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। सब्जियों को पकते 6 मिनट हो गए हैं, आइए चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम बाकी के मसाले डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, पीस के तैयार किया हुआ सांभर मसाला 1 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में अब हम इसमें डाल देंगे जो दाल हमने गला के रखी हुई है, गली हुई तुअर की दाल। अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, दाल में भी हमने नमक डाला था। साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। सांभर को आप कितना गाढ़ा और पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर ढककर हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए और पका लेंगे। कवर कर देंगे, गैस का फ्लेम लो करेंगे, लो फ्लेम पर हम इसे 10 से 12 मिनट पकने देंगे। सांभर को पकते टोटल 12 मिनट हो गया है, आइए चेक कर लेते हैं। सभी सब्जियां इसमें अच्छे से गल गई है, पक गई है। इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, बारीक कटा हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट और इसे हम पका लेंगे। इसे पकते 1 मिनट हो गए हैं, गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और सांभर को हम सर्व कर लेंगे। सांभर हमारा बन करके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।